बीसीसीआई ने किया साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की वनडे स्क्वाड का ऐलान। रोहित ने कप्तान बनते ही बदल डाली पूरी की पूरी टीम। दोस्तों, क्या हुआ है वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में बदलाव, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारतीय टीम को जल्द ही साउथ अफ्रीका दौरे पर जाना है, जहां पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के अलावा तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। आपको बता दें, टेस्ट टीम का ऐलान हो चुका है, जबकि वनडे टीम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। हालांकि बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि वनडे सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान होने वाले हैं। सीधा सा मतलब है कि अब वनडे में विराट कोहली कप्तान नहीं रहेंगे। अगर हम उन खिलाड़ियों की बात करें जिन्हें इस दौरे से बाहर रखा जा सकता है, तो इस लिस्ट में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और हार्दिक पांड्या के नाम शामिल है। साउथ अफ्रीका दौरे पर कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्हें हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका दिया गया था। इस लिस्ट में ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर और हर्षल पटेल के नाम शामिल हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम के संभावित स्क्वाड के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। आपकी राय में भारतीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, आप इस बारे में नीचे कमेंट करके बताएं। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।